देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अयोध्या कांड में दुखों का वर्णन ज्यादा है। अयोध्या कांड में तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो दुख बताते हैं, दुख दर्शाते हैं, इसीलिए अयोध्या कांड को अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इसी कांड में माता पिता की भक्ति और भरत का त्याग भी है। अन्य कांडों की तरह ये भी भगवान राम के आदर्श चरित्र का वर्णन करता है, इसीलिए अयोध्या कांड को अलग से भी पढ़ा जा सकता है और पूरे रामचरितमानस के साथ भी पढ़ा जा सकता है।